नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज़। मंगलवार को फुलेरा गांव के लोगों ने पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि मातृ छाया के प्रबंधन भरतपाल वैंदा व चिकित्सक डॉक्टर कल्पना डामोर की लापरवाही से जीतल कुमारी की अकाल मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। जबकि पुलिस ने गत 7 अक्टूबर 2023 को हॉस्पिटल व प्रबंधक के विरुद्ध मामला दर्ज किया था और समाज बंधुओं व प्रशासन के समक्ष हमको आश्वासन दिया था कि उपखंड अधिकारी की देखरेख में मेडिकल टीम गठित कर सप्ताह भर में हॉस्पिटल की जांच करवाई जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को टीम गठित करने के लिए लिखा गया। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की हठधर्मिता कहें या लापरवाही के कारण आज दिन तक मेडिकल टीम का गठन तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर एक महिला को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष व रावल समाज के लोगों ने स्थानीय व जिला प्रशासन के समक्ष कई मरतबा चक्कर लगाए। लेकिन मेडिकल टीम द्वारा जाँच करवाने का मात्र आश्वासन ही मिल पाया है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है या हो रही है पीड़ित व समाज के लोगों को अवगत नहीं करवाया है, जिसको कर ग्राम पंचायत अजारी के गांव एसाओ के लोगों ने तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल के विरुद्ध जांच कमेटी का गठन करने, सिजेनियन के संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने, हॉस्पिटल को जो स्वीकृति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है क्या वह उपमापदंड पर संचालित हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने एवं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाई जाए तथा रिपोर्ट होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो समस्त ग्रामवासी मजबूरन मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जहाँ चुनावों को देखते हुए आयोग द्वारा शक्ति देखी जा रही है तो वहीं मतदान का बहिष्कार करने वाले लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मात्र छाया हॉस्पिटल में चेतन रावल जो फुलेरा की बेटी और एसाओ की बहू थी, डिलीवरी में लापरवाही के कारण उसकी हुई मौत को लेकर बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न तो प्रशासन पीड़ित परिवार को दस्तावेज दे रहा है और न ही कोई कागजात, जिसको लेकर सबसे पहले एसाओ गांव वासियों ने गांव इकट्ठा करके मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और आज फुलेरा के ग्रामवासियों ने भी मतदान का बहिष्कार किया गया।